नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कैसे आप कर सकते हैं, सही तरीका क्या है ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का। जितने भी कंफ्यूजन होंगे सारे इस वीडियो में आपके क्लियर होंगे। क्या ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो निश्चित रूप से हमें ट्रेड लेना चाहिए रिवर्स साइड में। क्या ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेता है तो वहां हमें बाइंग साइड में ट्रेड लेना चाहिए। इन सारे कंफ्यूजन को हम इस वीडियो में दूर करने की कोशिश करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और वीडियो में बने रहिए अंत तक ताकि आपको सभी चीजें अच्छे से सीखने के लिए मिले। देखिए, जब कोई बिगिनर्स स्टॉक मार्केट में आते हैं तो वो कुछ इस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना बिल्कुल गलत है। इस तरह से ट्रेंड लाइन कभी भी आपको ड्रॉ नहीं करना चाहिए। इसमें काफी सारे कंफ्यूजन्स है और ये बिल्कुल रॉन्ग वे है ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने का। तो यहाँ पर आप बताना है कौन सा ट्रेंड लाइन सही है, कौन सा ट्रेंड लाइन इसमें से गलत है, जो कि आपको आगे वीडियो में सीखने के लिए मिलेगा। ये बिल्कुल रॉन्ग वे है और सही वे आपको मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि कैसे ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ करनी है। अब देखिए, जैसे मैंने यहाँ निफ्टी का आवर्ली चार्ट निकाल रखा है तो हमें अभी रिसेंट का प्राइस देखना है और इससे नीचे दो स्विंग देखना है। देखिए, यहाँ पर दो स्विंग देखते हैं तो पहला जो स्विंग है उसको ले लीजिए, फिर दूसरे स्विंग को ले लीजिए। पहला स्विंग एक ये हो गया हमारा निफ्टी का, फिर दूसरा स्विंग लेते हैं तो देखिए दूसरा स्विंग यहाँ पे एक है, फिर देखिए तीसरा स्विंग लेते हैं जो सबसे इस स्विंग का जो शुरुआत है, यहाँ से मेन इस स्विंग का शुरुआत यहीं से हुआ है जो ये अप ट्रेंड हमें देखने मिला है। फिर यहाँ पर कुछ खास यहाँ पर डाउनवर्ड मूवमेंटम देखने नहीं मिला, मुख्य रूप से यहाँ पर हमें थोड़ा सा डाउनवर्ड मूवमेंटम देखने मिला। तो ये दो मुख्य स्विंग पॉइंट है इस अप ट्रेंड का, इसको हम हटा देते हैं। तो ये दो पॉइंट मिल गया आपको, तो इस स्विंग के दो पॉइंट को आपको मिलाना है तो ये सही तरीका होगा ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का। तो अभी जो निफ्टी ऊपर जा रहा है तो एक बार यहाँ पर चलना शुरू किया, दूसरा बार यहाँ पर आके सपोर्ट लिया, तो तीसरा बार हो सकता है कि यहाँ पर आए इस ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट ले। अब जैसे ट्रेंड लाइन के पास प्राइस आता है निफ्टी का, तो वहां पर प्राइस एक्शन किस तरह से फॉर्म होता है, प्राइस एक्शन का क्या बिहेवियर होता है वो डिसाइड करेगा। तो वो डिसाइड करेगा कि निफ्टी ऊपर जाएगा या ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे आएगा। तो ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद हमें तुरंत ट्रेड नहीं लेना है, वहां पर हमें कंफर्मेशन चाहिए कि प्राइस नीचे ही आने वाला है ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके। तो ये जो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया ये रिसेंट टाइम का, ये जो रिसेंट स्विंग है इस स्विंग के लिए ट्रेंड लाइन है कि यहाँ पर सपोर्ट लेगा। लेकिन जो हमारा मेजर अगर बात करें तो मेजर यहाँ पर जो है ये डाउन ट्रेंड में है, यहाँ पर डाउन ट्रेंड में निफ्टी चल रहा है। तो हम डाउन ट्रेंड के लिए ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे कहाँ से रेसिस्टेंस ले सकता है। तो देखिए, एक स्विंग ये हो गया, दूसरा स्विंग ये हो गया, इस दोनों स्विंग को हम यहाँ पर मिलाएंगे। जैसे देखिए इस दोनों स्विंग को मिलाए तो निफ्टी हो सकता है कि यहाँ पर सपोर्ट ले इस ट्रेंड लाइन पर, तो यहाँ तक आ सकता है ये जो रेसिस्टेंस वाली ट्रेंड लाइन चल रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो मुख्य ट्रेंड है आवर्ली चार्ट पर जो हम देख रहे हैं डाउनवर्ड ट्रेंड है, तो जब तक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर देता है रेसिस्टेंस वाली ट्रेंड लाइन को, तब तक निफ्टी हमारा बुलिश नहीं होगा। लेकिन यहाँ अब एक बात और फिर आता है कि जो इससे बड़ा मतलब जो वेरी लॉन्ग टर्म जिसको हम बहुत ही लंबे समय का ट्रेंड कहें, उसके लिए आपको डेली चार्ट या वीकली चार्ट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए डेली चार्ट पर हम चलते हैं, देखिए ये बहुत ही लंबे समय का ट्रेंड है तो इसमें आपको देखना है जो लो है उसको मिलाना है। अब देखिए इन सारे लो को हम यहाँ पर मिलाएंगे, तो ये देखिए सारे लो को हमने मिलाया तो ये हो गया बहुत ही लंबे समय का ट्रेंड। और ये जो बहुत ही लंबे समय का ट्रेंड चल रहा था वो ट्रेंड अब ब्रेक हो चुका है। इस ट्रेंड लाइन का अब जो इम्पोर्टेंस है वो खत्म हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर यह ट्रेंड ब्रेक हुआ और यहाँ पर फिर से रिटेस्ट हुआ देखिए ट्रेंड, और फिर से यहाँ पर निफ्टी जो है डाउनवर्ड मोमेंटम दिखाया, तो ये ट्रेंड समाप्त हो चुका है। तो ये जो ट्रेंड समाप्त हो गया उस ट्रेंड लाइन का अब कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, तो इसको हम हटा देंगे। अब देखिए जैसे हम यहाँ पर देखें, ये हाई था, फिर ये हाई था, फिर ये हाई था, इस हाई को मिलाएं तो देखिए कुछ इस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रॉ होगा। यहाँ पर जो एक ट्रेंड लाइन बनाया ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर ब्रेक हो गया और निफ्टी यहाँ से ऊपर चला गया, तो इस ट्रेंड लाइन का भी काम समाप्त हो चुका है। तो जिसका जो ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया उस ट्रेंड लाइन का अब हमारे लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। तो कुछ इस तरह से हम एकदम फ्रेश अपने चार्ट को रखेंगे, एकदम चार्ट को क्लीन रखेंगे और ये हमारा दो मेजर ट्रेंड लाइन है, यहाँ तक निफ्टी हो सकता है ये आ सकता है। और अगर इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर ब्रेक करता है जो कि हमारे छोटे टाइम फ्रेम का है आवर्ली चार्ट पर मैंने ये ड्रॉ किया, तो फिर यहाँ से निफ्टी डाउनवर्ड मोमेंटम इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद दिखा सकता है। अब देखिए अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है तो क्या यहाँ पर ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा, ये जो ट्रेंड यहाँ से शुरुआत हुआ था, ये जो स्विंग स्टार्ट हुआ था,
तो इसको हम किसी और वीडियो में सीखेंगे, क्या सिर्फ ट्रेंड लाइन ब्रेक होने से हम ट्रेंड को रिवर्स मान लेंगे, तो इन सब चीजों की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तो अभी हम मुख्य रूप से ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना सीख रहे हैं एक छोटे टाइम फ्रेम पर और एक मेजर टाइम फ्रेम पर, जो बड़ा ट्रेंड है उसके लिए और एक जो छोटे ट्रेंड है उसके लिए। अब देखिए हम यहाँ पर निफ्टी में आपको बताते हैं कि कैसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है। ये बिल्कुल रॉन्ग वे है ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का, क्योंकि ये जो ट्रेंड है वो समाप्त हो चुका है, तो ये ट्रेंड लाइन मैंने गलत ड्रॉ किया है। तो ये ट्रेंड लाइन कोई भी ड्रॉ करता है तो वो गलत है। ये ट्रेंड लाइन देखिए इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर चुका है, तो ये ट्रेंड लाइन गलत है। और यहाँ पर जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था यह ऊपर पे, वो तब ड्रॉ करते हैं जब हमें चैनल ड्रॉ करना हो, कोई चैनल खींचना हो कि बैंक निफ्टी अभी किस चैनल में चल रहा है। क्योंकि ये जब ट्रेंड ऊपर है तो हमें सपोर्ट वाला ट्रेंड लाइन चाहिए, कहाँ पर मतलब बैंक निफ्टी आएगा, कहाँ से सपोर्ट लेगा और ऊपर जा सकता है। और जहां पर ये ब्रेक कर दिया ट्रेंड लाइन को, जैसे यहाँ पर ब्रेक किया, तो यहाँ पर ट्रेंड जो है रिवर्स हो चुका है। बैंक निफ्टी जो अप ट्रेंड में था, अब ये ट्रेंड रिवर्स हो चुका है और बैंक निफ्टी का जो ट्रेंड है इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर ब्रेक करने के बाद वो रिवर्स हो गया डाउनवर्ड ट्रेंड। तो ये ट्रेंड भी समाप्त हो चुका है, इस ट्रेंड लाइन को हम हटा देते हैं। अभी जो रिसेंट का जो ट्रेंड है वो ये ट्रेंड लाइन है। तो यहाँ देखिए हम थोड़ा सा जूम करते हैं, तो देखिए एक लो ये हुआ, यहाँ से स्विंग स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ पर बैंक निफ्टी वापस गिरा और यहाँ से सपोर्ट लेके वापस ऊपर चला गया। इस दो लो को हमने मिलाया, तो अभी ये मुख्य ट्रेंड लाइन है, इसको ब्रेक करता है तो फिर निफ्टी नीचे आ सकता है। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा तो निफ्टी नीचे ही आएगा। फिर यहाँ पर जो हमने खींचा था इस लाइन को भी मैंने हटा दिया, इसका भी कोई यूज नहीं है। फिर ये जो देखिए ये जो मैंने खींचा है ये बिल्कुल गलत है, तो इसको भी हम हटा देते हैं। फिर ये देखिए ये ट्रेंड लाइन जो था यहाँ पर ब्रेक हो चुका, तो इस ट्रेंड लाइन का भी अब कोई हमें काम नहीं है, तो इसको भी हटा देते। अब चार्ट कितना नीट और क्लीन हो गया। अब ये जो मेजर ट्रेंड है अभी आवर्ली चार्ट पर देखें तो वो डाउनवर्ड है निफ्टी का। आवर्ली चार्ट पर जो मेजर ट्रेंड है वो डाउनवर्ड है। अब इस मेजर ट्रेंड में जो डाउनवर्ड ट्रेंड है आवर्ली चार्ट पर, उसमें एक स्विंग ऊपर का आया, ये जिसको हम रिट्रेसमेंट भी कहते हैं, फिर डाउनवर्ड दिखाया, फिर ये रिट्रेसमेंट एक हुआ। तो ये जो स्विंग है इसका ट्रेंड लाइन ये है, जो कि बहुत ही रिसेंट टाइम का ट्रेंड लाइन है। फिर जो डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा है मेजर ट्रेंड, उसका ये रेसिस्टेंस ट्रेंड लाइन है और ये बहुत ही रिसेंट टाइम का ये जो ट्रेंड लाइन है ये सपोर्ट वाली ट्रेंड लाइन है। जब इस सपोर्ट वाली ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक करता है तो बैंक निफ्टी फिर से वापस नीचे गिर सकता है। तो कुछ इस तरह से ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ करना है। और देखिए बहुत ही नीट और क्लीन चार्ट आपको यहाँ पर देखने मिलेगा, और मात्र यहाँ पर दो ट्रेंड लाइन हमारे चार्ट पे है, दोनों का अलग अलग इम्पोर्टेंस है। अब देखिए हम ट्रेंड लाइन आपको किसी स्टॉक्स में चार्ट पे कैसे आप ड्रॉ करेंगे, जैसे देखिए अदानी पावर का है, यहाँ पर हम देखते हैं। तो देखिए एक बार यहाँ पर स्टॉक्स ने यहाँ पर मतलब रेसिस्टेंस लिया, इसको पिवट पॉइंट भी बोलते हैं। पिवट पॉइंट जहाँ से जो ट्रेंड है स्टॉक का वो चेंज होता है, यहाँ पर अप ट्रेंड था, यहाँ से इस पॉइंट से वो डाउन ट्रेंड हो गया। फिर देखिए एक पिवट पॉइंट यहाँ पे है, तो अलग अलग पिवट पॉइंट आप ले लीजिए, कम से कम दो पिवट पॉइंट लेना है, उसको मिलाने वाली जो लाइन होती है उसी को हम ट्रेंड लाइन बोलते हैं। तो फिर देखिए एक पिवट पॉइंट यहाँ पे भी है, और देखिए इस पिवट पॉइंट को अब हम कनेक्ट कर देते हैं, तो ये हमारा ट्रेंड लाइन बन जाएगा। अब ये जो पिवट पॉइंट कनेक्ट करना है तो विक्स को हमें नहीं लेना है, विक्स को हम छोड़ देते हैं। इसका जो वीक है ऊपर, तो इस वीक को निगलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पर ये रेसिस्टेंस लिया, यहाँ पर रेसिस्टेंस फेस किया, फिर यहाँ पे भी किया, फिर यहाँ पे भी किया, देखिए लगभग फोर टाइम्स। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है और यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन का हमें ब्रेकआउट मिला है। तो आप यहाँ पर चाहें तो अदानी पावर को, लेकिन ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से है, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप यहाँ पर बाय करें ही करें। अब देखिए यहाँ पर चार्ट को आप कॉम्प्लिकेटेड मत बनाएं, एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर ऐसे भी हम खींच देंगे, एक ट्रेंड लाइन हम चाहें तो यहाँ पर ऐसे भी खींच देंगे। तो बहुत सारे ट्रेंड लाइन खींचने से आपको कोई फायदा नहीं है। कि अदानी पावर यहाँ पर हमारा ये जो मेजर ट्रेंड लाइन था उस पर ब्रेकआउट दिया, यहाँ से हो सकता है रिटेस्ट करे, रिटेस्ट करके फिर ऊपर जाए तो ज़्यादा बेहतर है। जब रिटेस्ट के ऊपर जाता है तो वो काफ़ी बेहतर होता है, वो हमारा 100% कंफर्मेशन वाला ट्रेड होता है, जिस ट्रेड को हमें लेना ही चाहिए। अब देखिए यहाँ पर आप ट्रेड लेते हैं तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो जस्ट यहाँ पर, ये जो स्विंग स्टार्ट हुआ है, तो देखिए ये स्विंग यहाँ से स्टार्ट हुआ है 725 से, तो इसके नीचे स्टॉप लॉस रखना है यहाँ पर जो आपको सपोर्ट रीजन बन रहा है। तो आप जो है 715 के आसपास अपना यहाँ पर रखेंगे जो स्टॉप लॉस है, तो उसी अनुसार आपको यहाँ पर क्वांटिटी लेना है, अपना रिस्क मैनेजमेंट पोजीशन साइजिंग सबको ध्यान में रख करके। तो कुछ इस तरह से हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। तो देखिए और एक आपको दिखाते हैं, जैसे वेदांता, तो देखिए हम वेदांता में आपको ड्रॉ करके दिखाते हैं। ये वेदांता लिमिटेड है, यहाँ पर देखिए एक ये लो हो गया,
अभी स्टॉक अप ट्रेंड में है, एक लो ये बनाया, एक लो ये बनाया, यहाँ पर हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। देखिए ये ट्रेंड लाइन हो गया, यहाँ पर आएगा स्टॉक, यहाँ पर सपोर्ट लेकर के फिर वापस जा सकता है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि सपोर्ट पाएगा तो ऊपर ही जाएगा। हो सकता है स्टॉक सपोर्ट को ब्रेक करके, मतलब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे भी आ जाए। अभी कोई यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन खींच देता है तो इसको हम कहते हैं चैनल खींचना, मतलब ये स्टॉक अभी इस चैनल में है तो इस ऊपर वाले ट्रेंड लाइन का हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। सिर्फ चैनल जब देखेंगे कि किस चैनल में स्टॉक चल रहा है, किस चैनल से रेसिस्टेंस फेस करके स्टॉक फिर से इस सपोर्ट वाले ट्रेंड लाइन पे आता है तो हम उसको ड्रॉ करेंगे। अब देखिए जैसे यहाँ पर स्टॉक ये करेक्शन कर रहा था तो यहाँ पर हम खींचते, इसको मिलाते, तो देखिए यहाँ पर इस तरह से हम मिला देते हैं। अब देखिए कितना बेहतरीन ये ट्रेंड लाइन है, यहाँ पर रेसिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पर लिया, यहाँ पर लिया 4 times, फिर इसको ब्रेकआउट किया, फिर से यहाँ पर रिटेस्ट किया, फिर से देखिए ऊपर ऊपर गया। तो जैसे यहाँ पर रिटेस्ट करने के बाद यहाँ से वापस यहाँ पर दिखाया तो आप इस कैंडल पर क्लोजिंग बेसिस आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। और देखिए यहाँ पर 360 पे लेते और वहां से ये 400 तक स्टॉक्स गया तो अच्छा खासा यहाँ पर मिलता, लगभग यहाँ पर आपको 40 rupees मिला। वह स्टॉप लॉस आपका रहता 335, लगभग यहाँ पर आपको 25 rupees का यहाँ पर स्टॉप लॉस होता और उसके अगेंस्ट आपका जो रिवार्ड था वो काफी बेहतरीन था, 1:1 से ज्यादा यहाँ पर आपका रिवार्ड था। तो ये देखिए ये जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ किया रिसेंट टाइम का किया और ये जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया इसका काम समाप्त हो चुका है, तो ये हमारे चार्ट पर अब कोई भी महत्व नहीं रखता है, तो इसको हम अपने चार्ट से यहाँ पर हटा दिए। अब देखिए एक होता है बहुत ही लंबे समय का ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना, ये तो मैंने बहुत ही रिसेंट टाइम का ड्रॉ किया, तो लंबे टाइम के लिए आपको यहाँ पर चार्ट को देखिए यहाँ पर थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, कर दिए। अब यहाँ पर देखिए अगर हम लंबे समय का, एक स्विंग ये हो गया, ये स्विंग लो हो गया, ये स्विंग लो हो गया, ये स्विंग, सारे स्विंग लो जितना मैक्सिमम स्विंग लो मिल सके सबको मिला दीजिए। देखिए सारे मैक्सिमम स्विंग लो को हमने मिलाया तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बना, तो ये जो है लॉन्गर टाइम फ्रेम का ट्रेंड लाइन है जहाँ पर स्टॉक आएगा, यहाँ पर सपोर्ट लेगा, वापस ऊपर चला जाएगा। और ये रिसेंट टाइम का ट्रेंड लाइन है, मतलब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो यहाँ तक आ सकता है इस ट्रेंड लाइन तक ये स्टॉक्स, क्योंकि ये लॉन्गर टाइम का ट्रेंड लाइन है और जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा तो स्टॉक काफी ज्यादा नीचे तक आ सकता है। तो ये इसमें देखिए कितने बार स्टॉक सपोर्ट लिया, 1 times, लगभग ये भी इसी के आसपास है। थोड़ा सा आप एवरेज आउट करेंगे, मतलब जिसका विक्स निकला हो इसको एवरेज आउट करें तो ये सब के सब लगभग कनेक्ट हो जाएंगे। देखिए 1/2 times, 3 times, 4 times, 5 times, 6 times, 7 times, देखिए 8 times, फिर इसको एवरेज आउट करेंगे तो ये भी इसी के आसपास होगा, 10 times, 11 times, फिर यहाँ देखिए ये भी अप्रॉक्स इसी के आस आया है, लगभग 12 times ये स्टॉक यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया है। तो कुछ इस तरह से आप ट्रेंड लाइन खींच सकते हैं। वहीं स्टॉक्स किस चैनल में चल रहा है उसको अगर खींचना है तो आप इस तरह से खींच सकते हैं। तो देखिए वेदांता कुछ इस तरह से चैनल में चल रहा है, ये चैनल हो गया जिस चैनल में ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पाता है रेसिस्टेंस लेता है ऊपर वाले इस लाइन से और यहाँ तक सपोर्ट लेता है, तो ये हमारा ट्रेंड लाइन हो गया, ये चैनल हो गया, दोनों लाइन को जब एक साथ हमने खींचा। अब यहाँ पर एक बार इस लाइन को ये क्रॉस किया, एवरेज आउट करेंगे तो लगभग ठीक ठाक रहेगा। तो इस तरह से जो ट्रेंड लाइन है कभी क्रॉस होगा उसके नीचे जब सस्टेन हो जाएगा तब समझेंगे कि ये ट्रेंड लाइन जो है वो ब्रेक हो चुका है। यहाँ पर इसके नीचे ब्रेक किया, फिर इसको रिटेस्ट करता, फिर यहाँ पर ये जो वीक बनाया इस वीक को ब्रेक कर देता तब हम कहते ये लाइन जो है यहाँ पर ब्रेक हो चुका है। स्टॉक अभी इस ट्रेंड लाइन में है, कभी भी स्टॉक इस ट्रेंड लाइन के आसपास आता है सपोर्ट लेके वापस ऊपर जाता है तो आप यहाँ पर बाय करके चल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ बातें आपको बताते हैं, जैसे मिसकंसेप्शन होता है कि कोई सपोर्ट रेसिस्टेंस सीख गया, कोई ट्रेंड लाइन सीख गया, अब उन्हें पता चल गया कि इस ट्रेंड लाइन पे स्टॉक आएगा तो सपोर्ट लेके वापस ऊपर ही जाएगा, तो इस भ्रम में कभी नहीं रहिएगा। स्टॉक मार्केट में बड़े बड़े एनालिसिस भी गलत हो जाते हैं तो आपका एनालिसिस भी गलत हो सकता है। जब तक स्टॉक्स इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेके वापस ऊपर ना जाने लगे तब तक आपको ट्रेड नहीं लेना है, तो कंफर्मेशन प्राइस एक्शन से ही होगा, कंफर्मेशन के बाद ही आप ट्रेड लें। तो कभी भी ट्रेंड लाइन पे आए तो यहाँ पर निश्चित रूप से स्टॉक सपोर्ट लेगा, ऐसा कोई भी गारंटी नहीं है। स्टॉक हो सकता है इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके काफी नीचे भी आ जाए। अब दूसरी बात है, जब स्टॉक्स ऊपर जा रहा है तो हमारे लिए ये जो सपोर्ट वाले ट्रेंड लाइन है ये इंपॉर्टेंट है, स्टॉक इस ट्रेंड लाइन पाएगा, सपोर्ट लेगा, वापस ऊपर जाएगा, ऊपर कहां तक जाएगा उसकी कोई भी मतलब गारंटी नहीं है। लेकिन स्टॉक्स यहां पर आए सपोर्ट ले ये भी कोई गारंटी है, लेकिन हम यहां पर जैसे सपोर्ट लेकर के ऊपर जो है जैसे बाउंस बैक
करेगा, कंफर्मेशन देगा तो हम ट्रेड ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा होगा, आप अच्छे से ट्रेड लाइन को ड्रॉ करना सीख गए होंगे। तो अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और ऐसे ही बेहतरीन एजुकेशन और इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। YouTube के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेकआउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहाँ शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, साथ साथ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे स्टॉक बाजार ओरिजिनल सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लें।